दहन पर भद्रा का साया है। क्या है इस बार होलिका दहन का मुहूर्त, साथ ही इस बार होलिका दहन पर कौन से उपाय दूर करेंगे आपका हर कष्ट और दरिद्रता, बढ़ाएंगे आपका सुख और समृद्धि और बनाएंगे आपको मालामाल। आज होलिका दहन स्पेशल कालचक्र जरूर देखिएगा क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप हमसे बात कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, नंबर नोट कीजिए 0120-665-2411। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। तो पंडित जी आज का शुभ मुहूर्त मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताइए। 24 मार्च 2024 दिन रविवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 9:54 तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 7:34 के बाद से इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। गंड योग रात 8:34 तक, इसके बाद वृद्ध योग शुरू होगा। आज छोटी दीपावली यानी होलिका दहन है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक, और भद्रा काल सुबह 9:54 पर शुरू होगा और रात 11:13 तक रहेगा। यमगंड काल की बात करें तो यमगंड काल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है, क्योंकि पंडित जी हम शुभ मुहूर्त बता रहे थे तो शायद आपके मुझे लगता है कि बाय मिस्टेक वो शुभ छोटी होली है, आज छोटी दीपावली आपके अच्छा, गलती अच्छा, शायद निकल गया। छोटी होली, तो शुभ मुहूर्त जो है छोटी होली का बहुत ही शुभ रहेगा और बहुत ही जरूरी है कि इस शुभ मुहूर्त में ही आप होली का दहन करें। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि जैसा कि अपनी ओपनिंग में हमने आपको बताया था कि किस तरह से होली का दहन पर भद्रा का साया है, तो है या नहीं, और अगर भद्रा साया है तो किस मुहूर्त में होली का दहन किया जा सकता है, नहीं है तो क्या शुभ मुहूर्त होगा। तो पंडित जी मैं चाहूंगी आप सबसे पहले इस बारे में बताइए कौन सा शुभ मुहूर्त है होली का दहन का जो सटीक हो। देखिए रात 11:13 तक भद्रा का साया है। आज होलिका दहन पर भद्रा का साया है, भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है। आज सुबह 9:54 से रात 11:13 तक भद्रा का साया है, ऐसे में भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। होलिका दहन का मुहूर्त आज रात मध्यरात्रि 11:15 से मध्यरात्रि 12:23 तक है। आज होलिका दहन पर भद्रा का साया है और क होली पर चंद्रग्रहण का साया है, लेकिन चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। कल सुबह 10:23 पर चंद्रग्रहण शुरू होगा और दोपहर 3:02 तक रहेगा। कल लगने वाला चंद्रग्रहण यूरोप, उत्तर और पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक और अंटार्कटिका में अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा। इस ग्रहण काल का न तो भारत पर कोई सूतक लगेगा और न ही भारत में ये ग्रहण दृश्य होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अब राशि अनुसार जानते हैं कि आखिर मेष राशि के लिए मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मेष राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए, बताइए पंडित जी मेष राशि। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में एक परंपरा है, वो परंपरा जो है वो सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। वो परंपरा ये है कि जैसे आज रात में होलिका दहन है तो आज शाम को सभी लोगों को चाहिए, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी को चाहिए कि थोड़ा सा काली सरसों का उबटन बना करके और सरसों के तेल से या उबटन से अपने हाथ और पैर को मल करके उसका जो मैल हो वो नीचे गिरा लें और उसे गाय के गोबर के अंदर रख करके और होली में डाल दें। ये बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सबके लिए है। अगर सरसों का उबटन आप नहीं पीस सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो बेसन लेकर के उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके उसको उबटन जैसा लेप बना लीजिए और उससे दोनों हाथ और दोनों पैरों को लगा करके पूरा उसको मल करके उसको छुड़ा लीजिए। उसकी जो मतलब कि गंदगी निकलेगी
उसे आप आटे की लोई में या गाय के गोबर के बीच में रख करके उसे आप होली में डाल दें। आप किसी राशि के जातक हैं इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप मनुष्य हैं तो आपके लिए ये कर्म करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी मैल होलिका में जलेगी इससे आपका दुर्भाग्य जलेगा और आपके सौभाग्य का उदय होगा। हाँ, ध्यान ये भी रखना है कि होलिका में जैसे आप ये डालने जा रहे हैं तो होलिका में कुछ जलने वाली चीज भी ले जाकर आपको डालना चाहिए। जैसे एक दो लकड़ी डाल देनी चाहिए, दो चार उपले डाल देने चाहिए। इस तरह से कोई न कोई वस्तु होलिका में जलने के लिए भी डालनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। और एक ही व्यक्ति जाकर के परिवार के सभी सदस्यों का जो है वो सभी सदस्यों का जो निकला हुआ बेसन का या उपटन का मैल है उसे एक ही व्यक्ति जाकर के डाल सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है परिवार के हर सदस्य को होलिका दहन तक जाना पड़े, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रही बात मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जहाँ होलिका जलेगी वहाँ खड़े होकर के होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय मंगल गायत्री मंत्र का जप कर लें या ओम अंग अंगार काय नमः बोल दें। होलिका दहन के बाद गाजर के हलवे का प्रसाद बांटें। दूसरे दिन होलिका की थोड़ी सी राख में चमेली का तेल मिलाकर अपने शरीर पर हल्का सा उसको मल करके फिर स्नान कर लें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और चले अब आपको एक बहुत जरूरी जानकारी दे दें। आने वाली 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं। आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नोट कीजिएगा ईमेल आईडी kalchakr@bagnetwork.in। आप अपने अनुभव भी हमसे साझा करेंगे तो ये दिन आपके लिए और हमारे लिए और खास हो जाएगा। तो चलिए अब रुख करते हैं बाकी राशियों का और बारी आती है वृषभ राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृषभ राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी वृषभ राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है और आप होलिका के सन्निकट जा रहे हैं, होलिका दहन के पूर्व आप पहुंच रहे हैं या होलिका दहन के समय आप पहुंच रहे हैं, तो आपको चाहिए कि साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में आप जो भी सामग्री ले गए हैं, वो चाहे लकड़ी हो, चाहे उपला हो, चाहे वो घर के लोगों के द्वारा बेसन या उपटन की मैल हो, ये सब सामग्री आपको डालना चाहिए। नमः शिवाय भी बोलना चाहिए, शिव गायत्री मंत्र का जप हो सके तो कर लेना चाहिए। और होली के दिन सुबह सफ़ेद कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख और एक चांदी का सिक्का बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे भी धन में वृद्धि होती है और लक्ष्मी का वास होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक भी जुड़ गए हैं। बिहार से विनय जुड़े हैं हमारे साथ। विनय जी सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम विनय है। मैं आपसे एक बार और पूछा था आपने जमीन के बारे में, तो जमीन घरारी के बारे में, तो वो जमीन का तो नापी हो चुका है, कितना हमें निकला वो भी पता चल गया है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ये रजिस्ट्री कब तक होगा, थोड़ा आप बतलाते हैं। देखिए, शुक्र और सूर्य की स्थिति आपके आपके प्रश्न काल में द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। रजिस्ट्री होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, 1 से 1.5 महीने भी लग सकते हैं। मई तक ये आपकी रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार को करके और किसी हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपके कार्य में जो अवरोध आ रहा है वो उनकी कृपा से ठीक हो। हनुमान जी की उपासना से ये चीजें ठीक हो जाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए शुक्रिया विनय कॉल करने के लिए और अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब बात करते हैं होलिका दहन में चढ़ाई जाने वाली पूजा सामग्री की। तो पंडित जी, मैं जानना चाहूंगी कि होलिका दहन के वक्त जो पूजा सामग्री चढ़ाई जाती है उसका क्या महत्व है, क्या है? देखो, मैंने बताया ना कि होलिका दहन में पहली बात तो ये समझो कि जब हिरण्यकश्यप सारे उपाय करके थक गया और प्रहलाद को नहीं मार सका, हाथियों से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया,
क्या क्या नहीं किया उसने प्रहलाद के साथ, ठीक है। प्रहलाद ने पहले उसको जाकर के पिताश्री कहा, पिताश्री प्रणाम। तो उन्होंने पूछा कि क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा श्री नारायण की कृपा है। ये नारायण कौन है? अरे वो मेरे प्रभु हैं, अखिल कोट ब्रह्मांड के नायक हैं। चुप रहो, ये नारायण और नारायण कुछ नहीं होता। तो तुरंत प्रहलाद की भाषा शैली बदल गई, ऐ दैत्यराज सावधान, मेरे प्रभु के विरुद्ध अगर कुछ बोलने की साहस की तो ठीक नहीं होगा। मतलब पिता को एक सेकेंड के अंदर भाषा शैली भक्तराज की बदल गई, दैत्यराज से संबोधित किया। और सारे मारने के उपाय जब उसके फेल हो गए, तो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसने आकर हिरण्यकश्यप से कहा कि भैया आप क्यों चिंता करते हो, आपके इस बेटे को खत्म करना मेरे लिए दो मिनट की बात है। मुझे इंद्र ने एक चादर दी है जिसे मैं ओढ़ लूं तो चाहे जितनी अग्नि हो मैं जल ही नहीं सकती हूं, तो मैं वो चादर ओढ़ करके तुम्हारे बेटे को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, बेटा तुम्हारा जल जाएगा, मैं निकल के आ जाऊंगी। खूब बड़ी चिता लगाई गई जिसको आज होली कहते हैं, और उसमें वो प्रहलाद को लेकर के गई और उसने अपने ऊपर चादर डाल लिया, बस जिस जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसी हवा चली कि उसकी चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और वो बिना चादर के हो गई, प्रहलाद चादर से युक्त हो गए, होलिका जली, प्रहलाद सुरक्षित निकल आए और होलिका जल के राख हो गई, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत बड़े भागवतिक संत के विजय का पर्व है। इसीलिए हम अपने सभी दर्शकों से कहते हैं कि होली के दिन किसी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, किसी तरह का किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं करना चाहिए। भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, मतलब गंदी नशा जो भी है उसे होली के दिन ना करें। कुछ लोग कहते हैं अरे होली साल में एक दिन आती है, एक दिन पी लिया तो क्या हो गया। अरे एक दिन क्यों पी ले रहे हो, दोस्त ने कहा तो पी ले रहे हैं। अरे हमें भी दोस्त मान लो, हम हाथ जोड़ करके आपसे कह रहे हैं कि आप होली के दिन कोई नशा ना करिए, किसी तरह का कोई अशुभ अमांगलिक कार्य मत करिए। होली एक भक्त राज के विजय का उत्सव है, एक भक्त के विजय का उत्सव है, उसके बचने का उत्सव है। उसको हरि कीर्तन करके मनाइए, उसको लोगों को गुजिया खिला के मनाइए, मिठाई खिला के मनाइए, गले लगकर मिलाइए, अबीर गुलाल लगाकर मिलाइए। उसका काम यही थोड़ी है कि कीचड़ पोतना, कालिख पोतना, नाली में गिरना, नाली में गिराना, नशा करना, उसका ये थोड़ी परिणाम है जी। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हिरण्यकश्यप के परिवार के हैं कि होली जल गई है, आप दुख में ये मार काट कर रहे हैं। अगर आप राक्षस परिवार हिरण्यकश्यप के संतान हैं तो ये सब आप कर लीजिए, लेकिन यदि आप प्रहलाद के ग्रुप के हैं तो आपको कतई ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपको एकदम शांतिपूर्वक शुचिता पवित्रता से हर्ष और उल्लास के साथ ये होली का पर्व मनाना चाहिए। ऐसे मनाना चाहिए कि जैसे विवाहोत्सव है, अपने घर सभी आगंतुकों का स्वागत करना चाहिए, यथासंभव जो भी हो सके सेवा करनी चाहिए, और कभी भूल करके भी किसी को धोखे में भांग नहीं खिलानी चाहिए, धोखे में कोई नशा नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं अरे शंकर जी भी तो नशा करते थे, शंकर जी तो भांग पीते थे, शंकर जी भी तो नशा करते थे। पूछो, शंकर जी ने तो पूरे समुद्र का जहर पी लिया था जी। तुम पियोगे जहर? शंकर जी बन रहे हो ना, पियो जहर। बिल्कुल, शंकर जी ने तो पूरे गंगा को अपने जटा में धारण कर लिया था, 6 महीने जटा में घुमाया गंगा जी को, तुम गंगा जी को रोक पाओगे? शंकर जी बनने चले हो? तो कहने का मतलब यह है कि उल्टे उल जलूल तर्क दे करके, और हम पतित न हो, पतन के रास्ते पर ना जाएं, हम मनुष्य हैं, हमें संयम नियम से रहना चाहिए। और एक इतने बड़े भागवत भक्त का विजय है, प्रहलाद की विजय है, प्रहलाद की जीवन की रक्षा हुई है, इसे हमें बहुत ही शांति और सौम्यता के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। इस पर्व में किसी तरह का हुड़दंग या किसी तरह का नशा या किसी तरह का एडिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जी। और परिवार में एकदम खुशी का माहौल होना चाहिए। होलिका दहन के अनुष्ठान में अगर चंदन की लकड़ी अर्पित की जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है।
होलिका दहन के अनुष्ठान में उपले अर्पित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और क्लेश कम होता है। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। होलिका दहन में कपूर डालने से पितर प्रसन्न होते हैं, पितृदोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति रहती है। होलिका दहन में पान का पत्ता और लौंग चढ़ाई जाए तो परिवार रोग और शोक से मुक्त होता है। होलिका दहन में उम्बी, गोबर के बने बड़कुले, नारियल और नाड़ा अर्पित किया जाता है। उम्बी एक नए धान का प्रतीक है। इस समय गेहूं की फसल कटती है। ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से उम्बी होलिका दहन में अर्पित की जाती है। उम्बी का भोग अग्निदेव को प्रसाद रूप में लगाया जाता है। होलिका दहन में गेहूं की बालियां डाली जाएं तो मां अन्नपूर्णा की कृपा होती है। होलिका दहन में काले तिल डाले जाएं तो हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन का अनुष्ठान करते समय नारियल चढ़ाने से शारीरिक कष्टों में आराम मिलता है। होलिका दहन के अनुष्ठान में हरे चने अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नौकरी और कारोबार में तरक्की होती है। संतान पर आए कष्ट कम होते हैं। होलिका दहन में गन्ना अर्पित करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और हर काम में सफलता मिलती है। सभी आहुतियां डालने के बाद सात परिक्रमा होली की जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए आखिर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से वो अचूक उपाय करने होंगे। पंडित जी क्या कहेंगे मिथुन राशि के लिए कौन से उपाय करें। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के स्थान पर आपको जाना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आप खड़े हो जाइए और होलिका दहन में जो भी सामग्री आपके पास है उसमें होलिका में आप डाल दीजिए। सामग्री डालते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, अगर ये मंत्र आपको याद रहे तो बोल दीजिएगा और न याद रहे तो केवल आप नमः शिवाय बोल दीजिएगा, राम राम बोल दीजिएगा, राधा राधा बोल दीजिएगा, कृष्ण कृष्ण बोल दीजिएगा, किसी भगवान का नाम बोल दीजिएगा। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा लोगों में बंटवाना चाहिए। होली के दिन सुबह माने कल हरे रंग के कपड़े में 3 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 3 हकीक पत्थर अगर मिल जाएं तो उसे बांध कर तिजोरी में रखने से धन वैभव की वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से विवेक है फोन लाइन पर। विवेक जी सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी मां विंध्यवासिनी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं आपका कार्यक्रम करीब 13 साल से देख रहा हूँ और 13 वर्ष होने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। मैं अपने वीडियो जरूर भेजूंगा और आपके जैसे महान पंडित जी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखे। पंडित जी बहुत संदिग्ध जानकारी आपके कार्यक्रम से मिलती है। सभी काल चक्र के सभी को धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये है पंडित जी कि मेरे बेटे का जन्म नाम विवेक सुपेकर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 2001 जी, शाम को 8:30 से हुआ है। हेलो जी पंडित जी, मैं विवेक सुपेकर बोल रहा हूँ। पंडित हाँ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 2001 है, समय 8:30। मैंने बी फार्मेसी करा है, उसके बाद मैं MBA HA कर रहा हूँ अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पंडित जी बिजनेस कर लो, सरकारी नौकरी या फिर जॉब, जिसमें सक्सेस पा सकूँ। व्यवसाय करना सबसे अच्छा रहेगा। इस समय सिंह राशि का चंद्रमा प्रश्न काल में है, ऐसे लोग अगर व्यवसाय करें तो व्यवसाय में सफलता मिलती है और व्यवसाय में 100% सफलता मिलती है। व्यवसाय सोच बूझ करके अच्छे स्थान पर शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कालचक्र दिनों दिन और इसी तरह से तरक्की करता रहेगा और 13 साल के 130 साल भी यहां पर पूरे होंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि एक जरूरी और खास जानकारी अब आपको बता दें, 4 अप्रैल, जी हाँ 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं और आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बन सकते हैं। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप हमें अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। नोट कीजिएगा हमारी ईमेल आईडी, कालचक्र@bagnetwork.in।
आप अपने अनुभव भी हमसे साझा करें तो ये दिन आपके लिए और हमारे लिए और खास हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और रुक करते हैं वापस राशियों का, बारी आती है कर्क राशि की। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज कर्क राशि वालों को होलिका दहन पर क्या उपाय करने चाहिए, बताइए पंडित जी कर्क राशि के लिए। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के अवसर पर अगर आप होलिका के स्थान पर जा रहे हैं तो उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर खड़े हो जाइएगा और होलिका में सामग्री जो भी आपके पास है उसे डालिएगा। सामग्री डालते समय अगर हो सके तो 2-3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलिएगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षी मामृदात, ये महामृत्युंजय मंत्र बोलिएगा और होलिका दहन के बाद चावल से बनी मिठाई आप बांटिएगा। होलिका के दिन सुबह सफ़ेद रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 गोमती चक्र बांधकर अपने तिजोरी में रख लीजिएगा। इससे सभी प्रकार के दुर्भाग्य का दमन होगा और सौभाग्य का उदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से प्रदीप है फोन लाइन पर। प्रदीप जी सवाल पूछिए। पंडित जी। हाँ बोलिए। पंडित जी मैं आपका 10-12 साल से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं कोशिश भी तभी से कर रहा हूँ लेकिन अभी तक पहली बार मेरा लगा फोन नंबर आपका। और मैं अपने बारे में और अपने मिसेज के बारे में और दोनों बच्चों के बारे में थोड़ा सा पता करना था और मेरी तबीयत भी खराब रहती है उसके बारे में। और सबसे पहले मैं बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा है अखिल प्रताप सिंह, उसका डेट ऑफ बर्थ है 12-12-2004, राशि का नाम है युगेश और 1:48 दिन में संडे के दिन पैदा हुआ था। इसके कैरियर और भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और दूसरा बेटा है निखिल प्रताप सिंह, वो 13 फरवरी 2006 को 11:36 पे रात को सोमवार के दिन पैदा हुआ था, उसकी राशि का नाम है मुकेश। इसके भी कैरियर और भविष्य की जानना चाहता हूँ। और मेरा बर्थ है 12 जनवरी 1975, प्रदीप कुमार सिंह नाम है मेरा। और अपने बिजनेस के बारे में और भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और स्वास्थ्य के बारे में। बिजनेस मेरा बहुत ही डाउन चल रहा है आजकल। देखिए प्रदीप जी, अब सुनिए, आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी प्रश्न लग्न के हिसाब से बुध अपनी नीच राशि में राहु और सूर्य के साथ है, जिसके कारण आए दिन आपके शरीर में थकान और गिरावट महसूस होती है। नसों में खिंचाव, हड्डियों में दर्द, डाइजेशन की समस्या और दर्द की समस्या बनी रहती है, जिससे आप पूर्ण रूपेण उत्साह में आकर के अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं। आपके दशम भाव का स्वामी बुध है जो नीच राशि में है, व्यवसाय में भी और कार्य में भी आप उतनी उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नियम से अपने घर में राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें प्रतिदिन सुबह शाम, और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते समय घी का दिया जलाएं और राम दरबार की पूजा करें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर आप रोग मुक्त भी रहेंगे और आपके घर में उन्नति भी होगी। और बड़े बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में आपको बताता हूं कि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी शनि और चंद्रमा हैं। शनि और चंद्रमा का इत्थसाल जो है बृहस्पति के साथ हो रहा है। आप बड़े बेटे से बिल्कुल चिंतित मत होइए, वो सही समय पर सही जगह एडजस्ट हो जाएगा और वो आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा। किसी भी तरह का दुर्गुण या अवगुण उसके अंदर नहीं है। जहाँ तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसके बारे में बता दूँ आपको कि देखिए, थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए, क्योंकि तृतीय भाव जो आपके बड़े बेटे का तृतीय भाव है वो बृहस्पति का स्थान है, वहाँ राहु सूर्य बुध की स्थिति है, उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी उसकी शिक्षा ठीक रहेगी, पढ़ाई लिखाई अच्छा करेगा, उसे वाहन वगैरह चलाने से अभी थोड़े दिन तक मना करिएगा और उसके बाद में उसको अगर हो सके तो आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाइएगा,
या किसी ऐसी पढ़ाई को कराइएगा जो टेक्निकल हो, वो उसके भविष्य के लिए उत्तम होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, क्योंकि अब 4 अप्रैल को 13 साल पूरा हो रहे हैं हमारे इस काल चक्र को, और जब दर्शकों से इतना भरपूर प्यार मिलता है, तो मुझे लगता है ये असल जो हमारी अचीवमेंट है, इसे ही कहा जाए। देखो, ऐसा है, इन्हीं दर्शकों के अपार प्रेम, स्नेह और विश्वास के कारण ये 13 साल का सफर पूरा हो सका है। ठीक है, मेरे अधम व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ या इसलिए, इन लोगों की अच्छी सोच है, ये लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए इन लोगों को हमारी टूटी फूटी बात भी अच्छी लगती है। ये लोग खुद बहुत अच्छे लोग हैं, जो हमारी टूटी फूटी भी भाषा को, ना तो मैं बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान हूँ, ना तो मैं बहुत बड़ा मतलब कि अनुष्ठानिक हूँ, हमारी बात को ये लोग इतना अच्छा मानते हैं, ये माता विंध्यवासिनी की कृपा है। पंडित जी, उनके कार्य बन रहे हैं ना आपकी इन बातों से, आपके इन उपायों से। कार्य उनका बनता है उनके भाग्य से, उनका कार्य बनाने में मैं कोई निमित्त नहीं हूँ, उनका भाग्य है, उनका कार्य बनाता है। मैं तो बस माता विंध्यवासिनी के चरणों का एक तृण हूँ। बस मेरी अर्जी इतना जरूर माता से होती है कि माँ, जो भी लोग मतलब कि इस कार्यक्रम को देखते हैं या आपके नाम का श्रवण करते हैं, उनके बुद्धि में आप प्रवेश करके उन्हें सत्मार्ग दिखाइए, उनके परिवार की सुरक्षा कीजिए, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए और उनके जीवन को कुशलकारी और मंगलमय बनाइए। बस हमारी तो यही प्रार्थना है। हाँ, 13 साल पूरा हो रहा है, खुशी मुझे भी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने सुझाव जरूर भेजें, आपके सुझाव से हमें आगे और काम करने का मौका मिलेगा, और जो जिन शास्त्रों का हो सकता है मैंने अवलोकन न किया हो, जिन शास्त्रों का हो सकता है मैंने अध्ययन न किया हो, और आप कुछ जानना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से, तो उसे भी मैं अध्ययन करके आपको सरल भाषा में बताने की चेष्टा करूँगा। और आप लोगों की ही ये कृपा है जो 13 साल से चल रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आप लोगों को ही इसकी रॉयल्टी जाती है। आप लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया, प्रोग्राम इसलिए चल रहा है। हमारे अंदर कोई खासियत नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ। हाँ, आप लोगों की कृपा है इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों का स्नेह और ये आशीर्वाद हमारे साथ कालचक्र की टीम के साथ बना रहेगा, News 24 के साथ आप लोगों का प्यार बना रहेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो देखिए, भूलेगा नहीं, 4 अप्रैल वो बेहद खास दिन होगा जब 13 साल पूरा कर रहा होगा हमारा और आपका पसंदीदा ये कार्यक्रम कालचक्र। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे होलिका दहन पर पूजा की सबसे सही और सटीक विधि, साथ ही कैसे होलिका दहन की राख से बदलेगी आपकी किस्मत, ये भी बताएंगे पंडित जी। इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिएगा होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी देश भर में, जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ जताया जाएगा विरोध। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च यानी होली वाले दिन जनता से संवाद करने का कार्यक्रम का ऐलान भी किया है। वहीं आज सुबह 11 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें दिल्ली से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी विधायक पार्षद और मंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय समेत सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहेगी। इससे पहले शनिवार को आईटीओ के शहीद पार्क में आप कार्यकर्ता बीजेपी और पीएम के खिलाफ विरोध जताया उन्होंने, साथ ही गठबंधन के नेताओं ने तानाशाही से देश को बचाने का संकल्प लिया। शहीद दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, ईडी की कस्टडी को बताया गैरकानूनी, ईडी की गिरफ्तारी को किया चैलेंज, केजरीवाल ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी ऑफिस में
उन्होंने मुलाकात की। करीब 7:15 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय पहुंची थी सुनीता केजरीवाल। वहीं दिल्ली के शराब केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता की कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा। ईडी ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। बीआरएस नेता की कविता ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिका में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया। सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। शनिवार को देर रात तक पीएम आवास पर चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। मोदी, शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। बैठक में यूपी, आंध्र, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद यूपी की बची हुई सीटों पर भी मंथन हुआ। यही सब बता रहे हैं आज पंडित जी। तो चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। तो होलिका दहन पर पूजा कैसे करें, कैसे परिक्रमा करें, किस दिशा की तरफ मुंह करके होलिका और होलिका की अग्नि में किन चीजों की, किन सामग्रियों की आहुति दें, पंडित जी बताइए। बहुत अहम सवाल है और मुझे लगता है पंडित जी इसकी जानकारी सभी दर्शकों को जरूर होनी चाहिए और आज के वक्त में तो बहुत जरूरत है इस जानकारी की। देखिए, दोपहर में जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा होती है उसकी सफाई करें, जहां आपको होलिका की पूजा करनी है। सफाई के बाद होलिका दहन के लिए सूखी और कंडों की व्यवस्था करें। गाय का गोबर लेकर प्रहलाद और होलिका की मूर्तियां बनाएं। भगवान नरसिंह की आराधना के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं तैयार करें। प्रदोष काल में पूजा करें। परिवार के सदस्य होलिका की 3 बार परिक्रमा करें। भगवान नरसिंह का नाम जप करते हुए हाथ में 5 प्रकार के अनाज लेकर अग्नि में डालें। पवित्र अग्नि के फेरे पूरे करते समय होलिका को ढकने के लिए एक कच्चा सूत लें। पवित्र अग्नि में गाय के गोबर, सूखे चने, जौ, गेहूं डालें। होली के रंगों को गुलाल की तरह पवित्र अग्नि में डालें और होलिका को जल अर्पित करें। अंत में जली हुई आग की कुछ राख इकट्ठा करें और इसे अपने घर में रखें। आप इसे छिड़क भी सकते हैं और इसे माथे पर तिलक के रूप में भी लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज सिंह राशि के जो जातक हैं उन्हें होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं सिंह राशि के लिए। पंडित जी, सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? देखो पूजा, अगर किसी की सिंह राशि है और वो होलिका दहन के स्थान पर जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरब दक्षिण पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाइए, साउथ ईस्ट में खड़े हो जाइए। आपकी फेसिंग होगी नॉर्थ वेस्ट में। और जो भी आप सामग्री घर से ले गए हैं, लकड़ी, गोबर का उपला, या मतलब कि कोई अनाज की सामग्री, जो भी सामग्री आप ले गए हैं, हवन सामग्री, ये सारी सामग्री डालते समय सूर्य गायत्री मंत्र या ओम घृणी सूर्याय नमः आप कम से कम 5 बार बोलें। होलिका दहन के बाद केसर से बनी मिठाई बांट सकते हैं और होली के दिन सुनहरे रंग के कपड़े में 2 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ सूर्य यंत्र और तांबे के पुराने सिक्के बांध करके आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे निश्चित रूप से दुर्भाग्य समाप्त होगा, सौभाग्य का उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए एक बार फिर आपको बता दें, 4 अप्रैल भूलना नहीं है, क्योंकि 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए बेहद खास मौका है, आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बनिए। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का आप मनोबल बढ़ाइए। आप हमें अपने वीडियोज हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, इसके लिए नोट कीजिएगा। और लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं ईमेल आईडी कालचक्र@bjbagnetwork.in और आप अपने अनुभव हमसे
साझा करेंगे तो ये दिन आपके लिए और हमारे लिए और खास हो जाएगा। तो भूलिएगा नहीं 4 अप्रैल के लिए अपने वीडियोस, अपने अनुभव हमसे साझा कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कन्या राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से करने होंगे खास उपाय, बताइए पंडित जी। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भक्त प्रहलाद की भी कन्या राशि थी। कन्या राशि वाले दक्षिण दिशा की ओर खड़े होकर के ही होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का यथासंभव उच्चारण कर दें। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें। होली के दिन सुबह हरे रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ तांबे के छेद वाले 7 सिक्के बांधकर आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। कन्या राशि वालों को कल होली पर हाथ में कपूर रगड़कर उसको सूंघना भी चाहिए, उससे भी आप पूरे साल निरोग बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में, और क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं होलिका दहन की राख की, तो आखिर होलिका दहन की राख कैसे आपको अच्छी सेहत दिला सकती है, आपको सफलता दिला सकती है, साथ ही आपके मन, आपके घर से किस तरह से नेगेटिविटी दूर करने में अपना अहम योगदान करती है, आइए इससे जुड़ा एक अचूक उपाय हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं लगातार होलिका दहन की राख का, और हम देखते हैं कि लोग ये उपाय अपने घर में करते भी हैं, मैं समझना चाहूंगी इसका महत्व और किस तरह से हमारी जिंदगी को खुशहाल बनाने में इसका योगदान है। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ भस्म विभूति भगवान शिव के ऊपर भी चढ़ती है जी, और उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को भस्म विभूति अर्पित करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है और भौतिक रोगों से छुटकारा प्राप्त करता है। उसी तरह से ये होलिका की जो राख होती है ये इसलिए पवित्र हो जाती है कि इसमें भक्त प्रहलाद बैठे हुए थे और भगवान ने स्वयं आकर के प्रहलाद के ऊपर वो चादर डाली जो होली अपने ऊपर डाल के बैठी थी जी। और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका जल के राख हो गई। तो ये इतने बड़े भागवतिक संत का विजय उत्सव है कि इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से मनाना ही चाहिए जी। बहुत बड़े भागवतिक संत का ये विजय यात्रा है। 5 साल के प्रहलाद के साथ कौन सा ऐसा कुकर्म था जो हिरण्यकश्यप ने न किया हो मारने के लिए जी। और गलती क्या थी प्रहलाद की, वो हर समय ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः हर समय यही कहते थे। और हिरण्यकश्यप कहता था कि मुझे ईश्वर मानो, भगवान कोई चीज नहीं है जी। उसकी यही जलन थी और कोई 5 साल का बच्चा क्या बिगाड़ेगा किसी का, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि होली की राख इसीलिए पवित्र हो जाती है, जैसे तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। अब आपको सुन करके आश्चर्य होगा, लेकिन अगर आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात अक्षरशः सत्य लगेगी। जैसे प्रयागराज में सब लोग जाकर के स्नान करते हैं और जब प्रयाग के संगम में सब लोग स्नान करते हैं तो तीर्थराज प्रयाग उनके पाप से काला पड़ जाता है। तीर्थराज प्रयाग का गौर वर्ण है और सफेद रंग का उनका घोड़ा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उनका घोड़ा भी काला हो जाता है और वो भी एकदम काले रंग के हो जाते हैं। तो उस समय वो इंतजार करते हैं कि कोई परम वैष्णव भक्त आए और मेरे इस जल में अपना चरण रखे जिससे मेरा ये पाप दूर हो। जब कोई भक्त भगवत अनुरागी कोई महावैष्णव जा करके उनके संगम के जल में अपने चरण का अंगूठा रखता है तत्काल उनकी सारी कालिमा धुल जाती है और उनका घोड़ा भी श्वेत रंग का हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, मतलब तीर्थ में जाने वाला व्यक्ति तीर्थ को तीर्थत्व तो देता है। ये कौन देता है, वैष्णव संत देता है। तो ये भी वैष्णव संत थे प्रहलाद जी वैष्णव संत थे, इसको मानिएगा। भले उनकी उम्र 5 साल थी लेकिन वो परम वैष्णव थे। तो होली की राख पवित्र होती है, इस राख के उपाय से राहु केतु की भी शांति मिलती है ज्योतिष शास्त्र के
अनुसार माना जाए। घर से बीमारियां और कलेश दूर होती है। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी खत्म होती है। होलिका की राख को घर के चारों दिशाओं में छिड़कने से आप अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा से अगर परेशान हैं तो जब होली जल जाए तब आप होलिका का जलता हुआ कंडा या लकड़ी का छोटा टुकड़ा घर में ले आएं। इस अग्नि को अपने घर के आग्नेय कोण में मिट्टी के बर्तन में रख दें। अच्छी सेहत पाने के लिए होली के दिन होलिका की राख को शरीर में मलकर फिर नहाएं। अगर आप बहुत दिनों से बीमारी से ग्रसित हैं और आपको 99 टेम्परेचर पर फीवर हर समय बना रहता है और इस 2-4 महीने हो गए हैं ये बुखार आपका जा नहीं रहा है तो होली आपके लिए वरदान है। जब होली की राख ठंडी हो जाए तो वहाँ से 7 चुटकी राख ले आइए और अपने शरीर में उसको पूरा मल लीजिए और उसके बाद आप हल्के से गुनगुने पानी से नहा लीजिए। आप देखिए एक दिन के इस उपाय से आपका ज्वर आपका पीछा छोड़ देगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए होलिका दहन की राख से हर दिन अगर आप अपने माथे पर तिलक करें तो इससे भी आपके भाग्य की वृद्धि होगी और आपके अंदर सत्विचार उदय होंगे, आपके दूषित विचार खत्म हो जाएंगे। तो होलिका दहन की राख से तिलक करना सौभाग्य का लक्षण है। आपको अगर अनजाना कोई भय सताता है तो आज शाम को होलिका में एक सूखा जटा वाला नारियल, काला तिल और पीली सरसों ये आप होली में डाल के आइए। अगर किसी अनजाने भय से आप हर समय परेशान रहते हैं तो आप ये करके आइए, निश्चित रूप से इस होलिका के बाद आपका वो अज्ञात भय समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ रहे हैं और अब बारी आती है तुला राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज तुला राशि वालों को होलिका दहन के मौके पर कौन से उपाय करने होंगे, आइए जानते हैं। पंडित जी, तुला राशि वाले क्या उपाय करें आज? देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप होलिका दहन के स्थल पर पहुंचने में सक्षम हैं, पहुंच रहे हैं, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके आप खड़े होइए और होलिका में जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है वो डालिए। सामग्री डालते हुए जितना संभव हो भगवान शिव का स्मरण करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। होलिका दहन के बाद नारियल से बनी मिठाई बांटिए। होलिका के दिन सुबह क्रीम रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 पीली कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रख लीजिए। इससे भी आपकी तिजोरी हर समय मालामाल रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ लखनऊ से कौशल जुड़ गए हैं। कौशल जी, सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, आपका बहुत दिनों से हम लोग 13 साल से देख रहे हैं आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामना हो और ऐसे ही आप लोगों को शिक्षा देते रहे, बड़ी खुशी है। और एक प्रश्न है पंडित जी। जी, 8 जनवरी 1992 10:10 कौशल नाम है जी, कौशलेंद्र दुबे जी। तो इसको एक लड़का के बारे में पूछा, लड़का होगा कि नहीं, दो लड़कियां हैं और दुनिया भी में झगड़ा लड़ाई होता है, क्या है इसका उपाय बताइए जरा, बहुत बड़ी। देखिए, वैसे तो आज के जमाने में मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है। आज के युग में लड़कियां भी हवाई जहाज उड़ा रही हैं, लड़कियां भी सेना में जा रही हैं और लड़कियां दाह संस्कार भी कर रही हैं, चिता को अग्नि भी दे रही हैं। तो कहने का मतलब, आज के युग में लड़का और लड़की में भेद करना उचित नहीं है। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न पूछा है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। पति पत्नी दोनों श्री वृंदावन जाएं और वहां राधा वल्लभ के दर्शन करें और वृंदावन की 14 किलोमीटर की जो परिक्रमा है उस परिक्रमा में यही मंत्र करते हुए, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, एक परिक्रमा कर लें, निश्चित रूप से आप जो चाहते हैं वो प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन की रज पति पत्नी दोनों अपने माथे पर लगा करके और यदि परिक्रमा करेंगे एक साथ और इस मंत्र को बोलते रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन लड़की और लड़के में भेद करना ये उचित नहीं है, लड़कियां भी लड़के से कम नहीं हैं, ये बात समझ करके
चलना है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज वृश्चिक राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी वृश्चिक राशि। देखो वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर होलिका के स्थान पर पहुंच रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर खड़े होइएगा और दक्षिण दिशा में मुंह करिएगा, और जो भी सामग्री आप लेकर गए हैं यथासंभव, लकड़ी है आपके पास, गोबर के कंडे हैं आपके पास, और आपके पास ताजे अनाज के पेड़ हैं, तो आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए सब कुछ उसी होलिका में डाल दीजिएगा। और होलिका दहन के बाद लोगों में छुहारे बांटिएगा। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 7 चुटकी या 17 चुटकी होलिका दहन की राग के साथ एक मूंगा जो मतलब कि रत्न होता है, ये तिजोरी में रख लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले सिर ढककर या पगड़ी पहनकर होली खेलें। लाल गुलाल अपने सहपाठियों, सहकर्मियों और कारोबारी मित्रों को लगाएं, इससे आपकी होली में रंग आ जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब होलिका दहन पर कौन से उपाय आपको आपके हर कर्ज और भय दोनों से मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही होलिका दहन पर किस मंत्र का जाप और कौन सा पाठ आपको पूरे साल तरक्की और सफलता दिलाएगा, आइए अब इस अहम सवाल के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, कर्ज और भय से मुक्ति हो, तरक्की मिलती रहे, सफलता मिलती रहे, क्या कुछ किया जाए? ये सीधे सीधे भय से मुक्ति का ही त्योहार है, ये भय से मुक्ति का ही त्योहार है। अबोध बालक को, 5 साल के बच्चे को जलाने के लिए जबरदस्ती गोद में पकड़ करके कोई चिता में बैठ जाए अपनी सुरक्षा करके, और वो बच्चा सुरक्षित बच जाए और जलाने वाला जल जाए, तो ये प्रभु की कृपा का एक अद्भुत मिसाल है। कहते हैं ना, बड़ रखवार रमापति जासू, जिसके वही रखवाले हैं उसको कौन जलाएगा, उसको कौन मारेगा, उसको कौन सताएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब उसका मालिक सुनेगा तो तेरी क्या गति होए। इसलिए कभी किसी दुखिया को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो दुखिया जब रो देगा ना और उसका मालिक सुनेगा तो तुम्हारी क्या गति होगी, इसको सोच लेना। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब उसका मालिक सुनेगा तो तेरी गति क्या होए। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी किसी दुखी व्यक्ति को मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन पर श्री लक्ष्मी नृसिंह स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज और अनजाने भय से इससे मुक्ति मिलती है। इस स्त्रोत का पाठ करने से शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, कर्ज से मुक्ति मिलती है, रूठी हुई लक्ष्मी मान जाती हैं। 41 दिनों तक श्री लक्ष्मी नृसिंह स्त्रोत का पाठ करने से आर्थिक लाभ होता है। इस स्त्रोत के जाप से कानूनी बाधाओं का समाधान मिलता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तंत्र मंत्र बाधा से भी मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। ध्यान रखें, नृसिंह भगवान विष्णु के उग्र अवतार हैं। नृसिंह भगवान की पूजा करने से पहले साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जानते हैं, जब खंभे से नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो देवलोक के लोग भी कांपने लगे कि अरे ये सृष्टि में तो आज तक ऐसा कोई जीव ही नहीं बना था जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है और मुंह बाघ का है, ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं, ये क्या। देवलोक में अफरा तफरी मच गई और नृसिंह भगवान ने अपनी जांघ पर रख करके और हिरण्यकश्यप को चीर करके उसका खून पी करके उसको मार डाला, और बाद में प्रहलाद को गोद में लेकर के प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं लेकिन प्रहलाद नहीं डर रहे हैं। ऐसा अजनबी देख करके प्रहलाद नहीं डर रहे हैं क्योंकि वो भगवत भक्त हैं, उन्हें पता है कि मेरे स्वामी ही किसी रूप में आए हैं। तो खंभे से प्रकट हो गए थे नृसिंह भगवान। भगवान की सत्ता को चुनौती देना
ये किसी भी देवदानों के लिए असंभव है। भगवान जिसके रखवाले हों फिर उसको कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। व्यर्थ में ही अपना भजन खराब कोई करना चाहे तो कर ले। हाँ, नृसिंह स्त्रोत का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही आप पाठ करें। अगर आप होलिका दहन पर श्री लक्ष्मी नृसिंह स्त्रोत का पाठ न कर पाए तो नृसिंह गायत्री मंत्र का जप कर लें। ओम वज्र नखाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। आज होलिका दहन पर भगवान नृसिंह का मोरपंख अर्पित करने से राहु केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार का ध्यान करके दही अर्पित करने से कानूनी मामलों में राहत मिलती है। भगवान नृसिंह को नागकेसर अर्पित करने से आर्थिक कष्टों में कमी आती है। भगवान नृसिंह को लोहे की कील चढ़ाने से अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव में कमी आती है। भगवान नृसिंह को विष्णु मंदिर में भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाने से रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। भगवान नृसिंह को चंदन का लेप लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आप कुछ न कर सकें, अगर केवल ध्यान करके भगवान विष्णु का और उनके नृसिंह रूप का ध्यान करके और 10 मिनट उसी ध्यान में खो जाइए तो आपको सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात धनु राशि की कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए धनु राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। पंडित जी धनु राशि देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा पूजा कि अगर आप होलिका के स्थान पर जान रहे हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के होलिका में जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसे आप डालें। सामग्री डालते समय बृहस्पति के मंत्र का या बृहस्पति के गायत्री मंत्र का यथासंभव जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः बोल दें। होलिका दहन के बाद बेसन का हलवा बांटें। होली के दिन सुबह लाल रंग के कपड़े में 9 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 11 पीली कौड़ियां बांधकर अपने तिजोरी में रखें। धनु राशि वालों को साफ या नए कपड़े पहनकर होली खेलनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज होलिका दहन पर कौन से उपाय करने होंगे ये तो जानेंगे ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। फिल्म ओपन्स ऑन शिटी ब्लॉकबस्टर, मतलब मिनिमम 50 कार्स का अंतिम संस्कार। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। देश भर में जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ जताया जाएगा विरोध। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च यानी होली वाले दिन जनता से संवाद करने का कार्यक्रम का ऐलान भी किया है। वहीं आज सुबह 11 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें दिल्ली से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी विधायक पार्षद और मंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय समेत सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहेगी। इससे पहले शनिवार को आईटीओ के शहीद पार्क में आप कार्यकर्ता बीजेपी और पीएम के खिलाफ विरोध जताया उन्होंने, साथ ही गठबंधन के नेताओं ने तानाशाही से देश को बचाने का संकल्प लिया। शहीद दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, ईडी की कस्टडी को बताया गैरकानूनी, ईडी की गिरफ्तारी को किया चैलेंज, केजरीवाल ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की, करीब 7:15 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय पहुंची थी सुनीता केजरीवाल। वहीं दिल्ली के शराब केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, ईडी ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड।
डीआरएस नेता की कविता ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। याचिका में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया। सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। शनिवार को देर रात तक पीएम आवास पर चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। आपका एक बार फिर से मैं स्वागत कर रही हूं होलिका दहन स्पेशल काल चक्र में। चलिए अब बात बिना वक्त गवाए कर लेते हैं मकर राशि की। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मकर राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से खास उपाय करने होंगे, पंडित जी बताइए मकर राशि के लिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस पावन पर्व पर, पावन पर्व क्यों कह रहा हूं, अरे भाई, एक भक्त को लेकर के कोई आग में घुस रहा है और मैं पावन पर्व कह रहा हूं, हां, परिणाम देखा जाता है। परिणाम में प्रभु ने दिखाया है कि मैं अपने भक्त को कैसे बचाता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये पावन पर्व है। हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए कि अगर हम उस नारायण के भरोसे रहेंगे और अपना समस्त कर्म उसको समर्पित करेंगे और अहं की भावना का त्याग करेंगे तो वो प्रभु हमें भी बचाएगा। जानते हैं, हनुमान जी से बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं हुआ। और हनुमान जी जब विभीषण से मिले तो क्या कह रहे हैं, असमय अधम सखा मोहू पर रघुवीर, असकह कपि गदगद भये भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी जैसा विद्वान ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, वो कह रहे हैं असमय अधम सखा, वो अपने को अधम कह रहे हैं। ये देखिए दैन्यता है, ये एक भक्त की महानता है। मोहू पर रघुवीर, उस पर भी रघुवीर का अनुग्रह। तो कहने का आशय यह है कि भक्त प्रहलाद के जीवन दान का ये उत्सव है। तो आप अगर मकर राशि के हैं तो पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर होलिका के खड़े होकर के होलिका की सामग्री डालें, अपने मन में भगवान विष्णु का स्मरण करें, शनि के मंत्रों का जप करें और होलिका दहन के बाद उड़द की दाल के बड़े या इमरती बना करके लोगों में बांटें। होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख संकलित करें और उसमें थोड़ा सा एक लोहे की कील बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। इससे नजर और हाय से आप बचे रहेंगे। अपने साथ नया रुमाल रखें, जामुनी गुलाल अपने कारोबारी मित्रों को लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। अजमेर से रेनू है फोन लाइन पर। रेनू जी, सवाल पूछिए। अंजलि हरदोई से भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि जी, पूछिए सवाल। हेलो अंजलि जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। नमस्ते पंडित जी, खुश रहो बेटा। जी, मैं शिखा बोल रही हूँ हरदोई से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1995 सुबह 4:45। जी, मुझे जानना है मैं बीमारियों से कैसे मुक्ति पा पाऊंगी। बहुत दिन से मैं बीमार चल रही हूँ और मैंने बीटीसी किया हुआ है, 5 साल हो गए पंडित जी वेट करते हुए, अभी भी वैकेंसी नहीं आई है। कब वैकेंसी आएगी, कब मेरी जॉब लगेगी? देखो बेटा, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुरंत बीमारी से मुक्त हो जाओगी। रोज स्नान करने के बाद जो भगवान शिव को भस्म विभूति लगाई जाती है, वही भस्म विभूति अपने घर में किसी पूजा दुकान से मंगा के और शिवलिंग पर स्पर्श करवा के अपने घर में एक कटोरी में थोड़ी सी राख रख लो और नहाने के बाद वो राख पूरे अपने शरीर में हल्का हल्का टच करा दो, पूरे शरीर में टच करा दो और पूरे दिन उसके बाद हाथ पैर मत धो और ये 40 दिन तक उपाय करो। आपकी बीमारी जो है वो ब्लड से रिलेटेड है, क्योंकि आपके छठे भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। आपकी बीमारी जो है एलर्जी से रिलेटेड है, तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात ये कि आप नौकरी के लिए चिंता मत करिए, नौकरी तो आपको मिलनी ही है,
अब ये बात बता पाना मेरे लिए थोड़ा कठिन है कि कब योगी बाबा जो है अपना वांट निकालेंगे, कब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये बताना मेरे लिए कठिन है। लेकिन इस बार जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, आप सिलेक्शन के लिए एक काम करना चाहें तो कर लें, मैं बता रहा हूँ। आप नमः शिवाय का रोज 24 मिनट सुबह शाम जप करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और आप जैसे अपना सुपर टेट की तैयारी करना है उसमें आप अपने पूरे मनोयोग के साथ लग सकें। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक और एक बार फिर आपको वही जरूरी जानकारी आपको दे दें, 4 अप्रैल ये दिन आपको भूलना नहीं है, क्योंकि 4 अप्रैल को कालचक्र को 13 साल पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में एक खास मौका हमने अपने तमाम दर्शकों के लिए दिया है, आप अपने वीडियोस के माध्यम से कालचक्र के इस सुनहरे और बेमिसाल सफर का हिस्सा बनिए। पंडित सुरेश पांडे जी और कालचक्र की पूरी टीम का मनोबल बढ़ाइए। आप अपने वीडियोस हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, नोट कीजिएगा ईमेल आईडी kalchakr@bagnetwork.in। अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए, ये दिन आपके लिए और हमारे लिए और खास बने, ऐसे में आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं वापस राशियों का, कुंभ राशि की बारी आती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुंभ राशि वालों को आज होलिका दहन के दिन कौन से उपाय करने होंगे, बताइए पंडित जी। देखिए, रोज आप लोग हमको टीवी पर देखते हैं और हम चाहते हैं कि 4 अप्रैल को हम आप लोगों को टीवी पर देखें कि आप लोग टीवी पर कैसे बोलते हैं, क्योंकि जब आप अपना वीडियो भेजेंगे और वो वीडियो टीवी पे चलेगा तो निश्चित रूप से हम आपको देख पाएंगे। तो आप वीडियो जरूर भेजिएगा। कुंभ राशि के जातक अगर होलिका दहन के स्थान पर जा रहे हैं तो बस पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े होकर होलिका में सामग्री डालें। सामग्री डालते समय मंगलकारी शनि मंत्र का जप करें। होलिका दहन के बाद सिंघाड़े बांटें और होली के दिन सुबह नीले रंग के कपड़े में 11 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 काजल की डिब्बियां बांध करके अपने तिजोरी में रख लें। कुंभ राशि के जातक होली वाले दिन अपने चेहरे को दही से जरूर धोएं, कपड़ों पर इत्र जरूर लगाएं और पूरे दिन सात्विकता के साथ होली मनाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा होलिका दहन स्पेशल कालचक्र। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज फिर से आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी देश भर में, जगह जगह पीएम मोदी के खिलाफ जताया जाएगा विरोध। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने 25 मार्च यानी होली वाले दिन जनता से संवाद करने का कार्यक्रम का ऐलान भी किया है। वहीं आज सुबह 11 बजे एक अहम बैठक होगी जिसमें दिल्ली से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी विधायक पार्षद और मंडल प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय समेत सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति रहेगी। इससे पहले शनिवार को आईटीओ के शहीद पार्क में आप कार्यकर्ता बीजेपी और पीएम के खिलाफ विरोध जताया उन्होंने, साथ ही गठबंधन के नेताओं ने तानाशाही से देश को बचाने का संकल्प लिया। शहीद दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ईडी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हाईकोर्ट, ईडी की कस्टडी को बताया गैरकानूनी, ईडी की गिरफ्तारी को किया चैलेंज, केजरीवाल ने अर्जेंट हियरिंग की मांग की। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ईडी ऑफिस में उन्होंने मुलाकात की, करीब 7:15 बजे के आसपास ईडी मुख्यालय पहुंची थी सुनीता केजरीवाल। वहीं दिल्ली के शराब केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा, ईडी ने मांगी थी 5 दिन की रिमांड। बीआरएस नेता के कविता ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, याचिका में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया।
सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया क्या, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया, मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। शनिवार को देर रात तक पीएम आवास पर चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग, मोदी, शाह, जेपी नड्डा रहे मौजूद। आज जारी हो सकती है तीसरी लिस्ट। बैठक में यूपी, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर हुई चर्चा। मीटिंग के बाद यूपी की बची हुई सीटों पर भी मंथन हुआ। जेपी नड्डा ने सीईसी की बैठक से पहले गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। अमित शाह के घर पर हुई दोनों नेताओं की बैठक। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में 10 नामों पर ही चर्चा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं होलिका दहन स्पेशल काल चक्र। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज मीन राशि वालों को होलिका दहन पर कौन से खास उपाय करने चाहिए, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए मीन राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है और होलिका दहन के पावन अवसर पर आप होलिका के स्थान तक जाने का शुभ अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप होलिका के स्थान पर जाइए, वहाँ उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के और जो भी सामग्री आप अपने साथ घर से ले गए हैं उसे आप होली में डालिए। सामग्री डालते समय ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं क्षः गुरुवे नमः या ओम गुं गुरुवे नमः इस मंत्र को 3 बार बोल करके छोड़ दीजिए और होलिका दहन के बाद छोटे बच्चों में, लोगों में, बंदरों में केले बांटिए। होली के दिन सुबह पीले रंग के कपड़े में 7 चुटकी होलिका दहन की राख के साथ 7 तांबे के सिक्के, 11 कौड़ियां बांधकर आप अपने तिजोरी में 1 साल के लिए रख लीजिए। इससे निश्चित रूप से आपका रुका हुआ व्यवसाय भी तेजी से चलेगा और आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। मीन राशि वालों को होली वाले दिन नया रुमाल अपने पास रखना चाहिए, पीला या केसरी गुलाल अपने गुरु को लगाना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहेगा News 24। नमस्कार। चक्र प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सर। एसोसिएट स्पॉन्सर LIC।